ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको अपने बच्चों पर सलामती दे और आप हमेशा आपका साया उन पर सलामत रहे। आमीन सुम्मा आमीन, और आपको उनकी खुशियाँ देखनी नसीब करे, आमीन। तो मेरा चैनल है माजी अरफन मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आपका पहुंच सके, वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। तो व्यूअर्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, पूरी वीडियो को वॉच करें। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मौसम के लिहाज से, तो अब माशाल्लाह सर्दियों में तो बड़ा कुछ बनने वाला है। तो सबसे बड़ी बात तो साग मकई की रोटी, वो तो मैंने आपके बना दी है, वो इस डर से बना दी थी कि गैस का तो पता को नहीं हमारा, बस इस पे आना है। वो फिर मुझे बिजली का हीटर रखा हुआ मैंने, उस पर यूज करती हूँ। तो चले मैंने कहा जो कुकिंग की चीजें वो मैं थोड़ी सी आपको दिखा दूं। आज मैं बनाने लगी हूँ संगाड़े, लेकिन ये ना हो कि मेरे चढ़ जाए तंगाड़े हैं। मैं देखती हूँ कि ये नई चीज है और तकरीबन हर बंदा पसंद करता है, और बाहर जो मिलते हैं ना वो इसमें काई डालते हैं, काई कोई चीज होती है इनके पास, पंसारियों के पास होती है क्या, तो वो डालते हैं जिसकी वजह से वो घर में खाने हैं। तो डालने लगी आठ किलो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने डालना है इसमें तकरीबन, इसको मैं ना दम में करूंगी, दम भाप में ये एक गिलास पानी का डालूंगी, तो पानी ज्यादा नहीं, बस नीचे नीचे रहे ताकि ये जरा तैयार हो जाए। अब मैं गैस तो अभी से हमें अपनी दाएं दिखाने लग गई है, तेज रखना है, उसके बाद हमने इसको दम पे रखना है। देखो क्या पकता है, जिस मिनट ये लेंगे संगाड़े, मैं इसको ना बिल्कुल स्लो करती हूँ और ये भाप में देखे, ये देखिए अब ये 20-25 मिनट या आधा घंटा ये लेंगे। मैंने रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, अभी 5 मिनट मैं और इनको देती हूँ, फिर मैं आपके सामने ढकना खोलूंगी, देखते हैं फिर कैसे तैयार होते हैं। आधा घंटा हो गया, अब मैं देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, बस ये हो गए हैं, ये हो गया। अभी मैं आपके सामने डिश आउट करती हूँ, अब ये हो गए हैं। देखिए ये मैंने सिंगाड़े तैयार कर लिए हैं और इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने दम में रखे हैं, तकरीबन आध घंटे बाद इनको देखा है तो ये इस तरह के थे। अब देखते हैं इनकी, इनको काट के कि किस तरह के तैयार हो गए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे करें आप इसको ना, इधर से इसको इधर से काटे ऐसे, तो ये देखें ये है ना। अब आप ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। अब मैं सिर्फ अपने लिए काटूंगी, अब मैंने सबके लिए नहीं काटते, मैंने बना दिए हैं तो यही बड़ी बात है। चले ये देखिए दूसरा एक और, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक और मैं इसको कर देती हूँ, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गए हैं, ये देखें ज़बरदस्त हो गए हैं। चले एक और बड़ा काट देते हैं, माशाल्लाह ये देखिए, ये मैंने काट दिए, ये मैं इस पर डालती हूँ चाट मसाला, माशाल्लाह मैंने डाल दिया। हम बिस्मिल्लाह करती हूँ, ये देखिए ज़बरदस्त, ज़बरदस्त देखिए,
जितनी है क्योंकि जितनी देर में वो संघाड़े जो थे जो मैं जिन में उनके तो संघाड़े बैठी नहीं हूँ, तो जितनी देर में वो आध घंटे में तैयार हुए हैं तो मैं पास ही बैठी रही हूँ। दाबे हो गए हैं तो जबरदस्त हुए हैं, तो आज जो है वो मैंने आपको यही दिखाने हैं। अब खा तो मैं ही रही हूँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छी तरह का संघाड़े जो है ना वो खाना बहुत अच्छी अच्छी चीज है ये। तो ये अमूमन वो उस इलाकों में होते हैं जो जरा थोड़ी पानी चली जहाँ खड़ा होता है वहाँ होते हैं, तो इनको अच्छी तरह से धोना चाहिए साफ सुथरे करके। तो वह करे तो अब इसे ऊपर चाट मसाला डाले चाहे सादी भून डाले ये आपकी मर्जी है। तो चले मैंने तो थोड़ा सा चाट मसाला लेके टेस्ट कर लिया, तो आए आप भी खाए मैं छील के देती हूँ आप खाते। तो चले मेरी इस छोटी सी वीडियो को लाइक करें, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कि माँ जी ने तो संघाड़े भी बना लिए है, तो चले आप भी ट्राई करें। अब तो ये आम सी चीज़ हो गई है, तो आगे हुए बाजार में तो आप जरूर बनाइएगा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक सबको खुश व खुशहाल रखे और अल्लाह पाक सबको अपनी जुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुल्क में जो हालात है अल्लाह पाक उनको बेहतर करे। हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है, क्या किसी ने पाल खाने हैं, क्या इस मुल्क की हिफाजत करे अल्लाह पाक, इस मुल्क को अपनी जुबान में रखे। और अगर या अल्लाह पाक गरीबों की सुन ले तो उन बेचारों का बहुत बुरा हाल है। तो जो सफेद पोश लोग हैं तो फिर भी अपना भरम रखते जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक सबको दे आमीन। तो अल्लाह पाक हर तरफ सुकून और इत्मीनान दे। तो चले मुझे दुआ में याद रखिए, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।